श्रीकृष्णा 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 श्रीकृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारी लोक विज्ञानमय कोश में फंसे रहते हैं और हमेशा ये करना है वो करना है ऐसा करना है वैसा करना है, पूरा जीवन इसी में चला जाता है। और जो साधना के लिए प्रारंभ हो जाते हैं वो लोग आनंदमय कोश में फंस जाते हैं। आनंदमय कोश में फंसना माने क्या? कल का लेक्चर अच्छा था, मजा आया, मेडिटेशन में तो क्या बताएं आपको, एकदम देखो। तो एक कर्तृत्वाभिमान में फंसे हैं और साधक लोग जो है वो भोक्तृत्वाभिमान में फंसे हैं। ये दोनों संसार ही है, इसलिए यहां हमको स्पष्ट बताते हैं कि देखो आपको इस दुनिया में जो रहना है उस समय इतना ध्यान में रखना है कि ना तो हम कर्तृत्वाभिमान में फंसे और ना तो हम भोक्तृत्वाभिमान में फंसे। इसीलिए कहते हैं कहा संसार कहा आभास क्व साध्यम क्वच साधनम आकाश सेव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा। जो आकाश तुल्य निर्विकल्प है, निर्विकल्प का तात्पर्य है जैसे आकाश अपने आप को कोई विकल्प नहीं देता, कोई ऑप्शन नहीं देता, नहीं मुझे केवल गोल ही आकार अच्छे लगते हैं, तिकोने नहीं अच्छे लगते, नहीं। निर्विकल्प अपने आप को कम से कम चॉइस देना, तो ऐसे जो है धीरस्य निर्विकल्पस्य ऐसे ही धीर पुरुष है। और उनका ये धैर्य कैसे है? आकाश के जैसा, माने आकाश को किसी भी आकार को आधार देने के लिए आयास नहीं करने पड़ते, ये सहज है। इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है उनके लिए क्व संसार रहा, उनके लिए कहां संसार है, माने अब वो कर्तृत्वाभिमान से ऊपर उठ गए। क्व संसार रहा, क्वच आभास रहा, और फिर उनके लिए कौन सी साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, देखो क्वच आभास रहा, क्व साध्यम और क्या प्राप्त करना है। वेदांत बताता है प्राप्तस्य प्राप्ति, जो हम है केवल उसको पहचानना मात्र है, प्राप्त तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे जो कर्म में लगे हैं, जो उपासना में लगे हैं, जो कुंडलिनी के जागरण में लगे हैं, उनका ध्यान हमेशा इसी में लगा रहता है कि मुझे क्या मिलेगा, कर्म में मुझे क्या मिलेगा, भक्ति में मुझे क्या मिलेगा, उपासना में ये मिलने के लिए मैं ये उपासना कर रहा हूं। देखो तो जब तक के कुछ प्राप्ति की कल्पना हमारे मन में दृढ़ है तब तक के हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया है। देखो महाराज कुछ नहीं मिलने वाला, पहले दिन बताते तो ठीक रहता। ऐसे लगा कि सुन लेंगे चार छह दिन, रियलाइज होकर के हवा में उड़ते जाएंगे, क्योंकि तो लाल दुपट्टा है क्या। क्व संसार क्वच आभास क्व साध्यम क्वच साधनम, फिर कौन सी साधना करनी है? देखो कुछ साधना नहीं करनी, कारण क्या है? आकाशस्य एव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा, अपने आप को किसी भी प्रकार के चॉइस में बर्बाद मत करना,
देखो प्रॉस्पेरिटी एफ्लुएंस किसको कहते हैं, अमीर आदमी कौन होता है? अमीर आदमी वो है जो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा चॉइस देता है। अमीर आदमी के पास कपड़े बहुत होंगे, अमीर आदमी के पास गाड़ियां बहुत होगी। कल परसों में न्यूज़ पढ़ रहा था लैपटॉप पर, उसमें एक बड़ी विचित्र न्यूज पढ़ी। अमुक अमुक गांव में अमुक अमुक एक फैमिली है, उनके पास कोई कभी 15-16 गाड़ियां है लेकिन टॉयलेट नहीं। तो ये गाड़ी से जाते हैं लूटा लेकर के, यद गत्वा न निवर्तन्ते। देखो अमीरी की हद हो गई ना। मुझे जाना है मम्मी। अच्छा ऐसे करो, वो मर्सिडीज ले जाना। अमीर बाप के अमीर बेटे चिराग लेके टट्टी बैठे। तो आकाशस्य एव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा, अपने आप को चॉइस ना दे, यही आध्यात्मिक साधना है। लेकिन हमारा पूरा जीवन इसी में लगा है। स जयति इत्यर्थ संन्यासी पूर्णस पूर्णस्व रस विग्रह अकृत्रिम अनवच्छिन्ने समाधिर्यस्य वर्तते। समाधि का तात्पर्य केवल मेडिटेशन ही नहीं है। देखो समाधि माने, भगवान शंकराचार्य द्वितीय अध्याय में एक श्लोक पर अपने भाष्य में समाधि की परिभाषा देते हैं। वहां कहते हैं समाधि माने सम्यक आधीयते यस्मिन, जो जिसमें सब कुछ समा जाता है वो है परमात्मा। तो समाधि का तात्पर्य परमात्मा है। तो यहां कहते हैं कि अकृत्रिम अनवच्छिन्ने समाधि यस्य विद्यते, जो सहजता से अकृत्रिमता से परेशानी होकर के नहीं और अनवच्छिन्ने जो अखंड है, माने जो अखंड और प्रयत्न रहित अपने होने की स्थिति है, इसमें जो निष्ठावान है पूर्णस्व रस विग्रह, अब वो पूर्णत्व के रस का पान कर रहा है। रस माने जिसमें बीज नहीं होते। हमारे गुज्जू लोग करते हैं ना वो आमरस। तो आमरस माने क्या? आम में से छिलके निकाल डाले और गुठली निकाल डाली और जो बचा है पैथेटिक पल्प, उसको कहते हैं आमरस। आपको यदि वैराग्य प्राप्त करना है तो आमरस के बनाने की प्रक्रिया को देखो। उसको देखने के बाद आप जिंदगी में कभी आमरस नहीं खाओगे। गुठली निकालने के लिए क्या क्या नहीं करते। तो हमको भी गुठली निकाल देनी है। गुठली निकाल देनी है माने किसी कारण से हम प्रसन्न नहीं है। गुठली माने कारण। देखो तो पूर्णस्व रस विग्रह, हम यदि किसी कारण से खुश है तो संसारी है, हम यदि बिना कारण के खुश है तो साधक है, और हम खुश ना खुश दोनों के परे है तो सिद्ध है। तीन स्थितियां है। तो जयति अर्थ सन्यासी, तो यह जो सन्यासी है उसी ने, यह जयति का तात्पर्य है, उसने अपने आप को जीत लिया है। माने उसके जीवन में अब कृतकृत्यता आ गई, अब जीवन में और कुछ बाकी नहीं, जीवन सफल हो गया। देखो कौन है वो? पूर्णस्व रस विग्रह, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिसफुल बीइंग। तो अकृत्रिम अनवच्छिन्न, अकृत्रिम किसी प्रकार की कृत्रिमता उसमें नहीं है। कृत्रिमता कैसे आती है? जब हम ब्यूटी पार्लर में जाकर के मेकअप करते हैं कृत्रिम। और सबसे ज्यादा मेकअप का खर्चा किस पर होता है? उन चीजों पर जो जिंदा नहीं है। क्या जिंदा नहीं है बाबा? नाखून और बाल।
नेल स्पा और उसमें जाकर के कितना खर्चा और काट के फेंकना ही है उनको। इसीलिए ये अकृत्रिम है, सहजता से है। जीवन में जितनी सहजता होगी उतना आप प्रसन्न रहोगे। बहुनात्र किमुक्तेन ज्ञात तत्वो महाशयः भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरसः। अब क्या क्या बताए भैया आपको, बहुनात्र किमुक्तेन आपको क्या क्या बताए। ज्ञात तत्व महाशयः, वो महाशय, वो महात्मा जी जो ज्ञात तत्व है, जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, तो उनकी क्या स्थिति है। भोग मोक्ष निराकांक्षी, ना तो उनको दुनिया से कुछ चाहिए ना तो उनको मोक्ष चाहिए। देखो अब इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पक्षी दर्पण के सामने खड़ा है, हम दर्पण के सामने खड़े हैं, दोनों का एक ही अनुभव है, लेकिन ये पक्षी जो है ये बंधन में है क्योंकि उसने दर्पण के प्रतिबिंब को सत्य माना है और उसके लिए संसार शुरू हो गया। द्वितीयात्वई भयं भवति, जब तक के द्वैत की अनुभूति को सत्य माना है तब तक के संसार जारी है। और हम भी दर्पण के सामने खड़े रहते हैं, लेकिन हम दर्पण के प्रतिबिंब को सत्य नहीं मानते, हम अपने को पहचानते हैं। इसी प्रकार से जो पक्षी है वो चाहता है दर्पण में रहने वाला जो अन्य है उसको हटा दे, मोक्ष चाहता है, लेकिन हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो क्या हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे कि ये दर्पण में से प्रतिबिंब को हटाना चाहिए, नहीं। इसी प्रकार से कहते हैं भोग मोक्ष निराकांक्षी। भोग हम इसलिए कह करते हैं कि अपने आनंद का दिवाला निकल चुका है, इसीलिए बाहर से आनंद को इंपोर्ट करना चाहते हैं, और मोक्ष इसीलिए चाहते हैं कि हम अपने से परेशान हैं। यहां दो चीजें आ गई, ना तो हमको जगत में भोग चाहिए ना मोक्ष चाहिए। फिर क्या है, सदा सर्वत्र नीरस। हां, नीरस होने का तात्पर्य ये नहीं है कि अब फ्रस्ट्रेट हो गए, क्या हो गया, जब से रियलाइज हो गए ना ऐसे ही छोता है। नीरस माने जो जगत के भोगों में रस नहीं ले रहा है। देखो हमारा जगत के भोगों में रस इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने स्वरूप के रस का पान नहीं किया है, इसीलिए भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरसहा। तो ऐसा व्यक्ति जगत में रहेगा, भोग में रहेगा, लेकिन भोगी नहीं बनेगा। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा सुखेशु विगत स्पृहा। दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होना और सुख में आसक्त तो नहीं होना, दोनों बातें। दुख के द्वारा तो प्रभावित हम नहीं होते, समझ में आ गया, लेकिन सुख में फंसे हैं, तो हमारी स्पिरिचुअलिटी क्या है, 5-स्टार स्पिरिचुअलिटी। जब तक के अटैच बाथरूम नहीं होगा तब तक के जीवन व्यर्थ है। तो बहुनात्र किमुक्तेन ज्ञात तत्व महाशयाम भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरसहा। इसीलिए इसी को यदि दूसरे शब्दों में कहना है तो कहेंगे, जिसके अंतकरण में एक भी इच्छा नहीं है, माने ना तो भोग की इच्छा है ना मोक्ष की इच्छा है। जैसे सभी इच्छाओं को समेटना हो तो क्या कहे, ना जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। जो आदमी मरना चाहता है उसकी यही भ्रांति है कि मैं देह हूं, और जो जीना चाहता है उसकी भी वही भ्रांति है कि मैं देह हूं। तो ना तो हमको जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है, फिर कैसे जी रहे हैं, नीरसहा, टाइम पास कर रहे।
जितना आप ये टाइम पास के सिद्धांतों को समझ लोगे ना, उतना आप जीवन सहज जियोगे। कुछ करना वरना कुछ नहीं, कुछ प्राप्त नहीं करना है। ये तो बैठेंगे मेडिटेशन कर रहे। देखो एक बार एक ठाणे से या कहीं से आया था लड़का या आदमी अपने दोस्त के साथ, और उसके दोस्त ने कहा, स्वामी जी ये हमारे मित्र है, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, और इनकी जो है कुंडलिनी। हमने कहा वो गूंगे हैं क्या कि बोल सकते हैं? बोले वो बोल सकते हैं। तुम वकालत मत करो, उनको बोलने दो। फिर उसने शुरू कर दिया कि इन स्वामी जी मेरे गुरु महाराज की कृपा से मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, सब चक्र खुल गए, लेकिन चक्कर यह है कि हमारे गुरु महाराज का देहांत हो गया, अब आगे क्या करना है मुझे पता ही नहीं। तो मैं जोर से हंसा। बोले क्यों हंस रहे? हमने कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, भागो यहां से। बोले क्यों? तुमने एक गुरु को खा लिया है ऑलरेडी, अब मुझे खाने के लिए आए हो क्या? तुम गुरु खाऊ हो। देखो जब तक आपके मन में एक भी प्रश्न रहेगा, एक भी संदेह रहेगा, तब तक आप अभी कच्चे हो। कितनी सहज बात है। इसीलिए प्रश्नों को एंटरटेन मत करना। प्रश्नों को इसलिए एंटरटेन करते हैं कि स्वरूप का अभी जो असलियत है उसका ट्रेलर नहीं देखा है, और ट्रेलर दिखता है समझदारी से, ट्रेलर दिखता है अपने अनुभूतियों के विश्लेषण से। गहरी नींद में जब सब कुछ त्याग देते हैं तब खुशी होती है ना, तो इससे और कौन सा गुरु चाहिए हमको? त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस, हम दो पकड़ के रखते हैं। एक सज्जन हमको मिले कहीं वयस्क है, और दो दो मिनट में अपने ये पेट में नाभि से ऐसा करके बोलते थे। और उसके बाद क्या हुआ महाराज जी, और फिर मैं उधर में गया था, ऐसा ऐसा उनका हाथ ऊपर जा रहे, तो मैंने कहा कि महाराज जी आप मणिपुर में फंस गए हो क्या? बोले स्वामी जी आपको सब पता है, मैं लोगों को बोलता हूं कि मुझे पेट के विकार है, क्योंकि लोग भी पूछे आप ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं पेट के विकार है, ये क्या हमने ये बुद्धि के विकार है, विकार ही है। देखो आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य क्या है, जैसे आपने देखा कभी कभी हमारा ये फोन जो है जिसमें रिकॉर्ड करते हैं कभी कभी ये नखरे करता है, बीच में नहीं करेंगे तो मुझे फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ता है, तो क्या करें, क्यों हैंग हो जाता है? इसलिए फ्री डाउनलोड, इतना अनावश्यक डाउनलोड हो जाता है कि वो डिवाइस उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो फिर क्या करना है, उसका जो डाटा है उसको पहले बैकअप कर लो, और फिर फैक्ट्री सेटिंग्स। जैसे फोन फैक्ट्री से निकलता है तो ऑप्टिमम होता है, उसी प्रकार से जब हम पैदा होते हैं तब ऑप्टिमम है। जितनी आध्यात्मिक साधना है, रिवर्ट बैक टू योर फैक्ट्री सेटिंग्स। वो फैक्ट्री सेटिंग करने के स्थान पर हम और उल्टी सीधी बात कर लेते हैं, इतना प्राणायाम करेंगे कि फेफड़े बाहर आ गए। डोंट ओवरडू, और फिर अपने आप को अंदर में दबा लेंगे, कल्पना करेंगे ऊपर कुछ उठ रहा उठ रहा उठ रहा, क्या है गैस है। ये सब मानसिक है। देखो बताएंगे कि जैसे ध्यान के लिए बैठो और फिर कुंभक करो मूलाधार चक्र पर,
और फिर ये धारणा करो कि वहां से धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हो, मणिपुर आ गया, ये स्वादिष्ठान आ गया, फिर मणिपुर आ गया, फिर अनाहत आ गया, फिर विशुद्ध आ गया, फिर आपका आज्ञा चक्र आ गया, सहस्त्रार आ गया, फिर वहां से चक्कर लगाए, फिर नीचे गए, और इस प्रकार से ये करते रहो तो धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। इस चक्कर में फंसेंगे, धीरे धीरे चक्कर काटते रहेंगे, चक्कर काट रहे, क्योंकि मन को वैसे सिखाया है। देखो, और इसीलिए इसमें फंस जाते हैं। अपनी फैक्ट्री सेटिंग क्या है? फैक्ट्री सेटिंग ये है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नाप्नोति केलबिषम। भूख लगी तो खाना चाहिए, यह इच्छा प्रकृति में है, अपने में नहीं है, इसीलिए भूख लगी तो खा लो, लेकिन खाने के लिए बैठे तो ढोकला ही चाहिए, नहीं तो ठेपला चाहिए, नहीं तो खाखरा चाहिए, नहीं तो हांडवा चाहिए। अरे एक तो शांत शब्द बोलो, गुजरातियों की एक भी डिश प्यारी नहीं होती, गुजराती प्यारी होते, ऐसा लगता कि मार रहे किसी को। तो भोग मोक्ष निराकांक्षी, कुछ प्राप्त नहीं करना है। देखो जीवन का आनंद कितना रहता है। महदादि जगद्वैतम नाम मात्र विजृंभितम विहाय शुद्ध बोधस्य किम कृत्यम अवशिष्यते। महदादि जगद्वैतम नाम मात्रम विजृंभितम, जगत का तात्पर्य क्या है? नाम मात्र माने केवल नाम के लिए है। नाम के लिए माने क्या? जैसे हम लोग यहां बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, नाम मात्र, सुन थोड़ी रहे, बैठे। तो नाम मात्र का तात्पर्य है न होते हुए भी होने की भ्रांति में फंसे है। देखो तो ये संपूर्ण जगत क्या है? तो कहते हैं नाम मात्र विजृंभितम। जब हम कहते हैं अंगूठी, जब हम कहते हैं नेकलेस, जब हम कहते हैं पायल, तो ये नाम मात्र है, असल में सबका सब सुवर्ण मात्र है। इसी प्रकार से है परमात्मा ही, उसी को हमने गाली दे दी, उसकी गाली का नाम है जगत। है वही परमात्मा, उसको दूसरी गाली दे दी, उसको कह दिया जीव, और उसी परमात्मा को तीसरी गाली दे दी, उसको कह दिया ईश्वर। तो एक ही परमात्मा को हमने तीन गालियां दी है, और किसी को गाली दे दो तो आपको प्रसाद थोड़ी मिलेगा। इसी प्रकार से परमात्मा पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी, जगत कह दिया। परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी, जीव कह दिया। परमात्मा पर माया की उपाधि चढ़ा दी, ईश्वर कह दिया। देखो जैसे पानी पर समष्टि की उपाधि चढ़ा दी, समुद्र कह दिया। उसी पानी पर व्यक्ति की उपाधि चढ़ा दी, उसको कह दिया सुनामी, उसको कह दिया कैटरीना, उसको कह दिया सर्फ, उसको कह दिया बड़ी लहर, उसको कह दिया छोटी लहर। ये नाम मात्र है, वास्तविक तौर पर पानी ही है। इसी प्रकार से महदादि जगद्वैतम नाम मात्रम विजृंभितम, इसकी कोई सत्ता नहीं है, इसीलिए विहाय इसका त्याग करते शुद्ध बोधस्य किम कृत्यम अवशिष्यते। देखो जो अपने स्वरूप पे निष्ठावान है उसको ना कुछ करना है ना कुछ पाना है, कुछ पाना नहीं कुछ करना नहीं। ये जो शब्दों का अर्थ जब हृदय में प्रकट होता है ना, तब उसका मतलब अलग ही होता है। जैसे भगवान जब कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, तो हम मैकेनिकली पढ़ लेते हैं लेकिन उसका अर्थ हृदय में प्रकट नहीं होता। तो योगक्षेमम वहाम्यहम का क्या अर्थ है? आपकी जो आवश्यकता है उसकी, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी, योग। क्षेम
जो आपके लिए बचा के रखना है उसको बचा के रखने की जिम्मेदारी मेरी। अब ये भगवान के स्वयं के शब्द है, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। देखो, भगवान का भक्त होना और परेशान रहना, भगवान का भक्त होना और दुखी होना, भगवान का भक्त होना और डर डर के जीना, ये भगवान के भक्ति का अनादर है। देखो, इसीलिए आप देखेंगे ये उपासना इत्यादि करने वाले, उनमें आत्मविश्वास नहीं होता, डर डर के जीते हैं। जो डर के जी रहा है उसको भगवान के सामर्थ्य पर अभी संदेह है। देखो महाराज, तो भगवान ने क्या कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मुझे अपने से अन्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, अनन्य यहां माम चिंतयन्तः, जो मुझे अपने से अलग नहीं करते, अनन्या चिंतयन्तो, ये जना पर्युपासते। और ये ऐसे नहीं कि केवल भक्ति करते समय भक्त और वहां से उठे विभक्त, नहीं, अनन्या चिंतयन्तो पर्युपासते। और तेषां नित्याभियुक्तानां, नित्य के साथ रहेंगे तभी नित्य रहेंगे, अनित्य के साथ रहेंगे तो नित्य नहीं रह सकते। इस प्रकार से जिसने देश काल वस्तु के परिच्छेद का त्याग कर दिया है उसी को यहां कहते हैं कि विहाय शुद्ध बोधस्य किम कृत्यम अवशिष्यते। तो इस ऐसा जो शुद्ध बोध स्वरूप है उसके लिए क्या करना है दुनिया में, ना कुछ करना है ना कुछ पाना है। ब्रह्म भूतमिदं सर्वं किंचन नास्तीति निश्चय अलक्ष्य स्फुरणम शुद्ध स्वभावे नैव शाम्यति। ब्रह्म भूतमिदं सर्वं, देखो ये भूत जो है वो भ्रम का है, भ्रम का जो भूत होता है उसको समझदारी से ही मिटाया जा सकता है। भ्रम क्या है, मैं पति के रूप में सत्य हूं, मैं पत्नी के रूप में सत्य हूं, मैं मां बाप के रूप में सत्य हूं, यही भ्रम है। सत्य क्या है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये सत्य है। फिर मैं स्त्री पुरुष हूं, ये भ्रम है। फिर मैं जीव हूं, पापोहम पापकर्मा हम, फिर ये जो जीव भाव है ये भ्रम है। फिर अंतिम क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं। तो ये एक एक भ्रम का त्याग करके जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है उसके लिए कहते हैं ब्रह्मभूत इदम सर्वम जगन नास्तीति निश्चय। जिसने ये निश्चय कर लिया है, जो जो अनुभूतियां, ध्यान से सुनना, जो जो अनुभूतियां ज्ञानेन्द्रिय और मन और बुद्धि इनके माध्यम से होती है वो सब का सब भ्रम है। तो हम जो सुन रहे वो भ्रम है नहीं, ये महाभ्रम है। देखो, इसमें कुछ सत्य नहीं है, सत्य आप हो। इसीलिए हम कई बार कहते हैं ना कि ब्लफ सेशन कैसा रहा। एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी आप इतना अच्छा बताते हो, कहते हो कि ब्लफ हो रहा है, ब्लफ कहाँ हो गई। हमने कहा ब्लफ का सौंदर्य यही है, ब्लफ मारने के बाद भी सत्य लगती है। ब्लफ को यदि ब्लफ लगी तो वो ब्लफ थोड़ी हो गई। बोले कैसे ब्लफ है, मैंने ये बताओ, ये दुनिया जो है नहीं उसके बारे में आप बोले जा रहे हो। जैसे किसी ने कहा कि मैं उधर से आ रहा था और शाम का समय था और मुझे मृग तृष्णा दिखी रास्ते में, तो मैंने एक बोतल भर लिया पानी और वही पानी मुझे शाम रास्ते में काम में आ गया। या कितना झूठ बोल रहे हो, पहली बार शाम के समय तो मृग तृष्णा दिखती ही नहीं, फिर उसको पानी को बोतल में भरा, तो ये सब झूठ है। इसी प्रकार से यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो वाणी मन बुद्धि का विषय नहीं है उसके बारे में आप बोले जा रहे हो तो कैसे सच हो सकता है। और तीसरी महत्व की बात, जब हम चम्मच को मुंह में डालते हैं
तो हमारी जिह्वा उस चम्मच को स्पर्श करती है, फिर हम क्या कहते हैं, अब ये झूठ हो गया, झूठा हो गया। माने जिसको जिसको जिह्वा ने स्पर्श किया है वो झूठ है, तो करो क्या, चुप। भ्रम इदम सर्वम। देखो संतो, इसीलिए भ्रम भूतम इदम सर्वम किंचिन नास्ति इति निश्चयी। हम जब हमेशा ये कहते हैं ना ब्लफ ब्लफ ब्लफ, एक दिन आप लोगों ने मुझे ज्ञान दे दिया। क्या ज्ञान दे दिया, मुझे लग रहा था कि मैं ही ब्लफ मार रहा हूं, लेकिन एक दिन मुझे ये ज्ञान दे दिया आपने, आप भी ब्लफ मार रहे, सुन रहे हैं। ब्लफ ओ ब्लफ। अलक्ष्य स्फुरणम शुद्ध स्वभावे स्वभावे नैव शाम्यति। तो ऐसा जो अलक्ष्य स्फुरण है, जिस स्फुरण का कोई लक्ष्य नहीं है, जिसको कुछ अन्य की प्रतीति नहीं है, जो सहज सहज रूप से अपने में स्थित है, ऐसा जिसका स्वभाव है, एवरीथिंग जितनी भी बाहर की बातें हैं शाम्यति, एकदम शांत हो जाती है। बाहर की बातें क्या है, एक ही है, और वो है इच्छा कामना। कामना हमेशा अन्य के बारे में होती है, जब तक के अन्य के प्रतीति को सत्य माना है तभी तक कामना होती है। शुद्ध स्पूर्ण रूपस्य दृश्य भावम अपश्यतः क्व विधि क्वच वैराग्यम क्व त्याग क्व शमोपि वा। शुद्ध स्फुरण रूपस्य दृश्यम दृश्य भावम अपश्यतः, जिसने अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लिया है और जिसके लिए अन्य दृश्य की प्रतीति है ही नहीं। देखो ईशावास्य उपनिषद में आता है, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा एव विभूत विजानता तत्र को मोहा कश्यो कहा एकत्व अनुपश्यतः। जिसने ये अनुभव कर लिया है कि ये संपूर्ण विश्व मेरे से अन्य है ही नहीं। देखो हमको किसी को भी अपने स्वयं के बारे में इच्छा नहीं होती, इच्छा हमेशा अन्य के बारे में होती है। और जिसका ये अनुभव है कि संपूर्ण विश्व, दो प्रकार की बातें आती है शास्त्रों में। पहली बात बताई ब्रह्मभूतम इदम सर्वम, जिसको हमने एक भ्रम के रूप में, इल्यूजन के रूप में स्वीकार किया है, उसके प्रति मन में इच्छा नहीं होती। देखो, और दूसरी बात, जिसको हमने आत्म रूप से स्वीकार किया है उसके प्रति भी इच्छा नहीं होती। ये दो जो विरोधाभासी विषय आते हैं शास्त्रों में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, फिर इस जगत के साथ प्यार करो तो क्या मिथ्या के साथ प्यार करें? तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है, जगत को यदि मिथ्या के रूप में स्वीकार करो तो उसके प्रति प्रेम नहीं होगा, उसके प्रति इच्छा नहीं होगी, उसके प्रति द्वेष नहीं होगा। देखो, और यदि जगत को आत्म रूप से स्वीकार करो तो जिसको हमने आत्म रूप से स्वीकार किया है उसके प्रति द्वेष भी नहीं होता, इच्छा भी नहीं होती। देखो, तो ये दोनों का तात्पर्य एक ही निकला कि यदि इच्छा नहीं है तो इच्छा कैसी होती है, विधि निषेध, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, राग वैराग्य। तो इसके लिए क्व विधि क्वच वैराग्यम, फिर ऐसे संत के लिए क्या विधि निषेध है, ये करो ये मत करो। देखो, और क्वच वैराग्यम, फिर काहे का वैराग्य है? देखो, अज्ञानी लोगों के लिए वैराग्य क्या होता है कि पहले मैं सिगरेट पीता था, अब मैंने छोड़ दिया, वैराग्य हो गया। पहले मैं मांस खाता था, अब मैं घास खाता हूं, वैराग्य हो गया। माने पहले हम जिसके गुलाम थे उसको हमने त्याग दिया, उसको हम वैराग्य कहते हैं। अज्ञानी की दृष्टि से वैराग्य का तात्पर्य, ज्ञानी की दृष्टि से क्या है, ना कोई सत्य है ना कोई झूठ है, उसके प्रति संपूर्ण रूप से उदासीनता। देखो, तो क्व विधि क्वच वैराग्यम, यदि वैराग्य होगा तो आप विषय को लेकर के चिंतन भी नहीं करेंगे,
कैसे चिंतन होता है। अब जो घास खाने वाले हैं उनके मन में, जो मांस खाने वाले हैं उनके प्रति बड़े दुर्भावना के विचार आते हैं, पता नहीं ये लोग कैसा जानवर को मार करके खाते हैं। अरे जब तक वो आपको नहीं मारेंगे ठीक है, रिलैक्स, लेकिन पूरा जीवन उसी में चला जाता है। देखो अपने मन पर जगत के किसी भी चीज का प्रभाव न पड़े, को विधि क्वच वैराग्यम को त्याग, और किसका त्याग करोगे। भगवान जब कहते हैं भगवद गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसका तात्पर्य ये नहीं सबका त्याग कर दो, उसका तात्पर्य ये है पहले ये समझो महाराज तुम्हारा है क्या जिसका त्याग करोगे। ये शारदा संगीत विद्यालय हमारे सुरेश जी का है, मैं कहूंगा मैंने इस विद्यालय का त्याग कर दिया है। कोई लड़की आके मुझे कहे स्वामी जी मैं आपसे बहुत गुस्सा कर रही हूं, तलाक तलाक तलाक, तो मैं क्या कहूंगा, हे महारानी मैंने इसे शादी कब करी थी। ओ तलाक के लिए शादी की आवश्यकता है। हां जी जगत में अपना है क्या जिसका त्याग करोगे। ये समझदारी से जीने को कहते हैं त्याग, लेकिन हम स्थूल बुद्धि वाले। एक अम्मा पहुंच गई महाराज जी के पास वृंदावन में और बैठी, कहती है महाराज जी आप तो स्थूल बुद्धि वाले आपको फटाफट समझ में आता है, हम तो सूक्ष्म बुद्धि वाले हमको समझ में नहीं आता। इसीलिए क्व विधि क्वच वैराग्यम क्व त्याग क्व शमोपि वा, और इसीलिए शम माने फिर मन का नियंत्रण करना, इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है यदि हम अपने स्वरूप पे निष्ठावान हैं। और ये कब होगा, दृश्यम अदृश्य भावम अपश्यतः, ये जगत को अपने से अन्य मानो तो इच्छा होगी, आत्मस्वरूप से मानो तो इच्छा नहीं होगी, जगत को सत्य मानो तो इच्छा होगी, जगत को मिथ्या मानो तो इच्छा नहीं होगी। मूल सिद्धांत यही है, इच्छा से हम मुक्त हो गए। स्फुरतोनंत रूपेण प्रकृतिम च न पश्यतः क्व बंध क्वच वा मोक्ष क्व हर्ष क्व विषादता। स्फुरतः अनंत रूपेण, जो अनंत है और इस संपूर्ण प्रकृति को जो प्रकाशित कर रहा है। देखो प्रकृति को प्रकाशित करना माने क्या, सभी विषयों को प्रकाशित करने वाले इंद्रिय है, इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला मन है, मन को प्रकाशित करने वाली बुद्धि है, बुद्धि को प्रकाशित करने वाला चैतन्य है। तो यही चैतन्य सबको प्रकाशित कर रहा है। अब उल्टा जाओ, विषय इंद्रियों को प्रकाशित नहीं कर सकते, इंद्रिय मन को प्रकाशित नहीं कर सकते, मन बुद्धि को प्रकाशित नहीं कर सकता और बुद्धि चैतन्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। देखो इसीलिए स्फुरतः अनंत रूपेण प्रकृतिम च न पश्यतः, तो परमात्मा के अपने स्वरूप के दृष्टि से देखो प्रकृति है ही नहीं। जैसे गन्ने को डायबिटीज नहीं होता, देखो जो कोबरा है, कोबरा माने सांप, कुकरस्त ब्राह्मण नहीं, वो उससे ज्यादा होते हैं। देखो जो कोबरा है उसको अपने जहर से कभी पॉइजनिंग नहीं होता। इसी प्रकार से परमात्मा के दृष्टि से प्रकृति की कोई सत्ता नहीं है। तो स्फुरतः अनंत रूपेण प्रकृतिम च न पश्यतः क्व बंधः क्वच वा मोक्षः, फिर काहे का बंधन काहे का मोक्ष, किससे बांधे गए हैं हम। देखो ध्यान से सुनना, आंखें बंधी जाती है रूप रंग से, मन बंधा जाता है इंद्रियों से, इंद्रिय बंधे जाते हैं
मन बंधा गया इंद्रियों से, इंद्रिय बंधे गए विषयों से। एक एक को छोड़ो, और कैसे छोड़ना है? समझदारी से। इंद्रिय है कारण और विषय है कार्य। जो कार्य है कारण पर प्रभाव नहीं डाल सकता, लहर जो है वो समुद्र पर प्रभाव नहीं डाल सकती, लेकिन लहर का अस्तित्व समुद्र के सिवा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो विषय है वो इंद्रिय पर प्रभाव नहीं डाल सकते, लेकिन विषयों की सत्ता इंद्रियों के कारण है। तो जैसे जैसे ये सूक्ष्मता से चिंतन चलेगा, तब आप देखेंगे कि जगत के कोई भी विषय वस्तु हमको बंधन में नहीं डालते। ये हमारी भ्रांति है कि अमुक विषय के सिवा मैं नहीं रह सकता, ये सब बकवास है। ये समझने के कारण क्व बंधः, कहाँ बंधन है, क्वच मोक्षः, अब बंधन ही नहीं तो मोक्ष कहाँ है। देखो अमृत बिंदु उपनिषद में आता है ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। अपने मन की ही कल्पना है कि हम बंधन में है, हमारे ही मन की कल्पना है कि हम मोक्ष है। ये सब मनीराम का खेल चल रहा है। क्व बंध क्वच वा मोक्ष, क्व हर्ष क्व विषादता, खुशी और विषाद दुख ये केवल मन के ही विकार है। देखो तो जो व्यक्ति इन विकारों से परे है उसका लक्षण क्या है? ही इज स्पॉन्टेनियस। हमारे निसर्गदत्त महाराज कहते थे जो व्यक्ति उत्स्फूर्त है, स्पॉन्टेनिटी कितनी? इतनी स्पॉन्टेनिटी कि जैसे आकाश सभी आकारों को कभी भी आधार देता है लेकिन किसी भी आकार से प्रभावित नहीं होता, इतनी स्पॉन्टेनिटी। जैसे दर्पण में सामने आने वाले वस्तु को प्रकाशित करना स्पॉन्टेनियस है, तैयारी नहीं करनी पड़ती। अच्छा अग्नि आ रहा है, जरा तैयारी करो, नहीं। ये जो जीवन की सहजता है, जहां जहां स्पॉन्टेनिटी सहजता है वहां हम अपने स्वरूप में स्थित है, जहां प्रयत्न है वहां हम नॉर्मल नहीं है। जिनको सुनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है क्योंकि ऊंचे सुनते हैं। देखो एक बार अमेरिका में, शायद एटलांटा की बात है, हम जिनके यहां रहते थे उनके बगल में एक दूसरे एनआरआई है। तो उस एनआरआई ने कहा हमारे होस्ट को कि हमारी सास को आप ले जाएंगे सत्संग के लिए? उनको मिलता नहीं सत्संग, मैं तो अभी जा रही हूँ काम के लिए। तो हमारे होस्ट ने कहा ठीक है ले जाते। वो आई हमारे साथ बैठी है, वापस आ गई। फिर वो उसकी जो बहू थी हमको कहने, धन्यवाद स्वामी जी आप उनको ले गए थे। हमने कहा उनको पूछो कैसे लगा, बोले नहीं वो बहरी है। यार मजाक करने की भी बात होती। तो जो व्यक्ति बहरा है ऊंचा सुनता है उसको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और उसके कारण थक जाता है और थकने के कारण रिटायर होना चाहता है। कोई भी साधु संत रिटायर नहीं होते क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे, करे तो रिटायर हो गए ना, क्योंकि उनमें प्रयत्न नहीं है, सहजता है। इसीलिए क्व बंध क्व च वा मोक्ष, क्व हर्ष क्व विषादता, इन सभी विकल्पों से परे है। बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते, निर्ममो निरहंकारः निष्कामशोभते बुधः। देखो ये जगत को दिखने की दिखाने की भिन्न भिन्न दृष्टियां है। पहले कहते हैं यह जो जगत है इसका दृग्दृश्य विवेक करो, माने जड़ चेतन का विवेक करो। देखने वाला चेतन होता है और देखा गया जड़ होता है। उदाहरण, मैं देखने वाला ये माइक, तो मैं चेतन, माइक जड़। मैं देखने वाला, मैं आपको देख रहा हूं, मैं चेतन आप जड़।
स्वामी जी हम भी आपको देख रहे हैं। देखो महाराज, जो देख रहे हैं वो जड़ ही है, जो देख रहा है वो एक ही चैतन्य है। ऐसे नहीं कि हम में रहने वाला चैतन्य मैस्कुलिन है और बूढ़ा है, और आप में रहने वाला चैतन्य जवान है और फेमिनिन है। चैतन्य एक ही है। तो पहला ये विवेक, तो उससे क्या होगा, हम विषयों से उपरत होकर के मैं के पास आ जाएंगे, पहला विवेक। दूसरा विवेक ये है, अपने अनुभूतियों के द्वारा प्रभावित नहीं होकर के मन के संतुलन को बना के रखना। देखो समत्वम योग उच्चते, दूसरा विवेक। अब तीसरा विवेक है, ये सब भगवान की लीला है तो ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। और जो वेदांत का विवेक है वो ये विवेक है, और वेदांत को समझने के लिए सांप और रस्सी को लाना आवश्यक है। अब सांप रस्सी को ठीक से समझ लो, जिस दिन आप इसको समझ लोगे ना तब आपको वेदांत थोड़ा बहुत ग्रहण हो गया। हम जब किसी सांप के कारण डरते हैं अंधकार में, तो ऐसे लगता है कि हमने सांप पर पैर रख दिया है, तो फिर सांप को मारने के लिए डंडा ले लिया, टॉर्च ले लिया, वहां पहुंच गए। अब वहां पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि सांप नहीं था, रस्सी थी। ध्यान से सुनना, एक बार आपने देख लिया कि सांप नहीं था रस्सी थी, तो क्या उसके बाद आपकी इंक्वायरी जारी रहेगी? नहीं, ये तो ठीक है रस्सी थी, अच्छा ही था, लेकिन वो सांप कहां गया? देखो कभी नहीं पूछोगे। इसको कहते विवर्त। अब विवर्त को भिन्न रूप से समझ लो, आभूषण और सुवर्ण। तो सुवर्ण पर नाम रूप का अध्यारोप करने से जो कहा जाता है वो सुवर्ण का विवर्त है। विवर्त है माने क्या, यदि नाम रूप को मिटा दिया जाए तो सुवर्ण बना रहता है। तो हम भले देखे आभूषणों को, लेकिन होता है सुवर्ण। इसी प्रकार से भले हम ये नाम रूपात्मक जगत को देखे, लेकिन है परमात्मा। भले हम पंचकोशों के द्वारा प्रभावित होवे, लेकिन हम है इस पंचकोशों का आधार सत्यमात्र। देखो तो ये विवर्त का तात्पर्य है, जिसकी प्रतीति होती है लेकिन जो नहीं होता। कहते हैं बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते, ये संपूर्ण जगत जो है ये केवल माया के द्वारा विवर्त मात्र है, वास्तविक नहीं है। और इसीलिए निर्ममो निरहंकार निष्कामः शोभते बुधा, इसीलिए निर्ममा, इसमें किसी के साथ ममता नहीं है, मेरा है मेरा है इत्यादि। और निरहंकार, अब सबका त्याग कर दिया तो उसका अहंकार हो जाता है आदमी को, मालूम है सबका त्याग कर दिया है तो निर्ममो निरहंकार। फिर निष्कामः, कामना जिसको होती है वो अहंकार है, कामना जहां नहीं है वहां अहंकार नहीं है। निष्कामः और शोभते बुधा, तो ज्ञानी का यही सौंदर्य है। इस जगत को जिसने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है, उसको जगत को पकड़ने का या छोड़ने का ना तो ममता है ना अहंकार है, क्योंकि उसके अंतकरण में कोई कामना ही नहीं। ये ऐसा ही है जैसे हम छोटे बच्चे के साथ कुछ खेल रहे हैं टाइम पास करने के लिए, क्योंकि अभी खाना बनने को टाइम है। तो उस बच्चे के साथ जब खेल रहे हैं तो उसमें जीत हार इसका अहंकार नहीं, और मैंने अपने आप को खामोखाम हरा लिया है क्योंकि वो बच्चा खुश होना चाहिए था, वो ममता भी नहीं अहंकार भी नहीं, क्योंकि कामना नहीं थी कि मैं जीतूं या मैं हारूं।
तो जैसे हम बच्चों के साथ खेलते हुए भी नहीं खेलते, इसी प्रकार से साधु संत जगत में रहते हुए भी जगत के नहीं होते। देखो, इसीलिए बच्चे जब बड़ों के साथ खेल करके जीतते हैं तो क्या वो जीत होती है? लेकिन वो बच्चे को लगता है कि मैं तो जीत गया, स्वामी जी को हरा दिया, और हमको मालूम है क्या हो रहा है। इसी प्रकार से जो इस जगत को समझ करके जीता है वही संत है। अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतो मुने क्व विद्या क्वच वा विश्वम क्व देहोहम ममेति वा। अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतो मुने, जिसने अपने आप को इस प्रकार से समझ लिया है, गत संतापम अब कोई दुख नहीं है, और अक्षयम ये ऐसे नहीं कि मेडिटेशन के समय शांत बाद में धूम धड़ाका, नहीं। आप देखेंगे ये जो जबरदस्ती से मेडिटेशन करने वाले होते हैं ना, उनका जीवन इतना विकृत हो जाता है। कारण क्या है कि वो जबरदस्ती से कर रहे हैं। देखो मेडिटेशन करेंगे, अब मन साथ नहीं दे रहा है तो फिर क्या करें, दूसरे को बदनाम करो। कितने बार कहा है जब मैं मेडिटेशन को बैठता हूं शांत रहो, सब बच्चे बेचारे चूहे के जैसे अपने छेद में चले जाते हैं, लेकिन बाथरूम में पानी प्लास्टिक के बैकेट पर एक एक बूंद गिर रहा है, ठक। अरे राम, इन बच्चों को क्या कहिया, ठक। कितने बार बताया इनको इसको ठीक करना है, ठक, लेकिन इनको तो कोई फिक्र ही नहीं, ठक। मेडिटेशन हो रहा है और बाद में वो ठक ठक पानी का गिरना बंद हो गया, फिर परेशानी, पानी गया क्या? देखो महाराज, ये सब कार्टून होते हैं, और ऐसे लोग स्वयं परेशान रहते हैं तो सबको परेशान करते हैं। तो अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतो मुने, जो व्यक्ति ना तो किसी चीज के नुकसान का डर है, ना तो किसी के कारण विक्षेप मन में आते हैं, दुखी नहीं होता, उसके लिए क्व विद्या क्वच वा विश्वम, उसको क्या करना है ज्ञान इकट्ठा करके। देखो एक सज्जन हमको मिले लोनावला में, एक लड़की पढ़ती थी वहां, बोले स्वामी जी मेरे जो मामा जी है, दादा मामा जी, तो वो आपसे मिलना चाहते। मैंने अच्छा मिल ले, ले आओ। तो वो आ गए, हम बैठे थे कुर्सी पर, बगल में सोफा सेट है, मैं महात्मा जी बैठो। नहीं 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 स्वामी जी हम नीचे बैठेंगे। हमने कहा बैठो ऊपर, जगह अच्छी है, नीचे ठंडा है। नहीं 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 हम तो नीचे बैठेंगे। हमने कहा उसके नीचे जाके बैठो। देखो क्या है, उपासना है, बड़ों के सामने नीचे ही बैठना चाहिए, लेकिन बड़े जो बोलते हैं उसको सुनना नहीं चाहिए। जैसे हमारे लिए संस्कृति क्या है, ईंट पत्थरों की बिल्डिंग की संस्कृति है, शास्त्रों के जो सिद्धांत है, जो हमारे वेदों के विचार है, वो संस्कृति नहीं है। देखो संतो, ये जो जड़ बुद्धि वाले हैं बड़े जिद्दी होते हैं, फिर आकर के कहते हैं महाराज जी मैं रोज सुंदरकांड का पाठ करता हूं, फिर रोज 11 बार हनुमान चालीस का पाठ करता हूं, अब बताओ और क्या करूं। देखो ये उनका प्रश्न था। हमने कहा हम बताएंगे, आप करोगे नहीं? बोले नहीं नहीं बताइए, दोनों बंद कर डालो। देखो ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, अरे कब तक ये चक्कर में पड़े रहोगे? पूरी जिंदगी इसी में चली जाती है। इसीलिए क्व विद्या क्वच वा विश्वम क्व देहो, कहां देह और मैं देह हूं और ये देह मेरा है, ये सब की सब बातें ऐसे पश्यतहा मुने है, जिसने अपने आप को दुख से निवृत्त किया है और अपने अखंड अक्षय स्वरूप को पहचान लिया है, उसके लिए सबका कोई मतलब नहीं। इसीलिए ज्यादा जिद्दी होकर के साधना नहीं करते, समर्पण चाहिए, जिद्द नहीं चाहिए।
जो जिद्दी होता है वह प्रकृति में फंसता है। देखो जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन करो, इफ यू कॉन्सेंट्रेट यू आर गोइंग अवे फ्रॉम यूर सेल्फ, एंड इफ यू रिमेन इन अवेयरनेस यू आर विथ यूर सेल्फ। देखो हम ये थोड़ी कहते आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई सेल्फ, तो फिर क्या होगा, सर में दर्द होगा। ये कई लोग करते हैं ना, ये जिसको कहते त्राटक, बाहर में रख दो कोई वस्तु उसके देखती रहो टुक 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 टुक, नहीं तो फिर ये दोनों आंखों को ये भ्रू मध्य में ले आती, वहां ज्योति का दर्शन करो। अरे लड़की को रख दो उसका नाम ज्योति बैठ, और वहां ऐसा करते रहेंगे और बाद में फिर बड़ा दर्द होने लग जाता है। अन्य के प्रति कॉन्सेंट्रेशन होता है, एकाग्रता होती है, अपने प्रति अवेयरनेस होता है, सावधानी होती है। सावधान रहो, देखो जहां आप सावधान रहोगे अपने स्वरूप पे वापस आ जाओगे। हमारे नारायण ठोसर ने यही तो किया था, मालूम है आपको, नारायण ठोसर माने समर्थ रामदास स्वामी का नाम। उनके माँ बाप ने देखा कि ये बच्चा बिगड़ रहा है, तो भारतीय होने के कारण सभी दर्दों की एक दवा शादी करा दो। तो जब उनको रखा वहां, और वो जब मंगलाष्टक शुरू हो गए सावधान, और ये भाग गए, सावध हो गए, और ये बाकी के लोग सावधान, हाँ लगा गले में बांध करके जिंदगी भर लीड कर रहे हैं। निरोधादीनि कर्माणि जहाति जहाति जड़ धीर्यदि मनोरथान प्रलापांश कर्तुम आपनोति तत्क्षणाल। जड़धी माने बेवकूफ, जो प्रकृति में ही फंसा है। प्रकृति में फंसा माने क्या, मन का निरोध करे तो निरोधादीनि कर्माणि, जहां इन्होंने जब तक के मेडिटेशन कर रहे दबा दबा करके निरोध कर लिया चित्तवृत्ति का, कब तक कहते हैं कर्माणि जहाति, यदि ये मन का निरोध करना बंद कर दिया तो मनोरथान प्रलापांश्च कर्तुम आपनोति तत्क्षणात्, उसी क्षण उनके मन में मनोरथ शुरू हो जाते हैं। देखो ये कैसा है मालूम है, जब तक के आपने ब्रेक लगा के रखा है, गाड़ी आपकी स्लोप पर खड़ी है और आपने ब्रेक लगाया, तब तक गाड़ी खड़ी रहेगी, जहां ब्रेक उठाया लुढ़कने लग गई। इसी प्रकार से जब तक मेडिटेशन चल रहा है तब तक शांति है, मेडिटेशन के बाद अशांति है, अपने में भी लोगों में भी। इसीलिए ये जो जबरदस्ती से अज्ञानी लोग इस चक्कर में फंसे रहते हैं, चित्त वृत्ति का निरोध करना है, जैसे उनका वो खत्म हो गया फिर मन के खेल शुरू हो जाते हैं। मंद श्रुत्वापि तद्वस्तु न जहाति विमूढताम निर्विकल्पो बहिर्यत्नात् अंतर्विषय लालसा। मंदा, हाँ पता नहीं आजकल कई जगह में हमने सुना है लड़कियों के नाम मंदा होता है, मंदा माने डल विटेड, मंद प्रकृति के, तो स्त्री लिंग तो मंदा हो गए। तो मंद श्रुत्वा भी, उसने यदि शास्त्रों के बारे में तत्व के बारे में सुना भी है, न जहाति विमूढ़ताम, फिर भी वो अपने बेवकूफी को मेंटेन रखते, न जहाति और निर्विकल्पो बहिर, और फिर बाहर से दिखाने के लिए अब मेडिटेशन में बैठे, क्या हो गया, डोंट डिस्टर्ब, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, और बहिर निर्विकल्पो बहिर यत्नान अंतर विषय लालसा, और अपने अंतकरण में विषयों के प्रति जो आकर्षण है वो ज्यों का त्यों बना है। भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जबरदस्ती से आप विषयों से दूर रहो
तब तक के विषय से दूर रहोगे। लेकिन रसवर्जम, उस विषयों के प्रति जो रस है वो आपके हृदय में बना रहेगा। देखो बहुत पुरानी बात है, हम एक बार अरुणाचल प्रदेश गए थे एक विवेकानंद की स्कूल में। वहां बच्चों को खाने के लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम केवल खिचड़ी मिलती थी। और हमारी भ्रांति ये थी कि जब बच्चे खा सकते तो हम भी खाएंगे, क्योंकि साधना कर रहे हैं ना। पुरानी बात। तो वहां के जो लोग थे उन्हें स्वामी जी हम आपके लिए अलग से देना, अलग कोई जरूरत नहीं, सबके साथ खाएंगे। अब ब्रेकफास्ट के लिए वही खिचड़ी, लंच के लिए वही खिचड़ी, डिनर के लिए वही खिचड़ी। तब समझ में आ गया, अरे इसके साथ थोड़ा अचार होता तो ठीक लगता। कैसा है? बहुत बढ़िया है। देखो सभी खा रहे, मैं भी खा रहा हूं, लेकिन अंदर में पापड़। फिर महामंत्र का जब शुरू हो गया, खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ मिर्ची अचार। देखो तो बाहर का जो आडंबर है, कहते हैं मंद श्रुत्वापि तद वस्तु न जहाती विमूढ़ता निर्विकल्पा बही यत्नात्। बाहर में दिखाओगे हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं खाएंगे, वैसा नहीं खाएंगे, लेकिन अंतर विषय लालसहा रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक के हमारे अंतकरण में किसी श्रेष्ठ वस्तु की उपलब्धि की लालसा पैदा नहीं होती, तब तक के कनिष्ठ वस्तु का त्याग सहज नहीं हो सकता। देखो आजकल की ये जो लड़कियां है, टीनेज लड़कियां, उनके दिमाग में ऐसे कीड़े घुस गए कि उनको पतला हो रहना है, कुछ खाएंगी नहीं, एकदम हड्डी हड्डी, माने हड्डी हड्डी को डायरेक्टली चमड़ी लपेट दी, बीच में मांस है ही नहीं। तो उनके बगल से एक मॉस्किटो गया, ये गिर पड़ी हवा से। ये कोई जीवन है? देखो तो मन में तो चल रहा है ये खाए वो खाए। एक अम्मा है, पता नहीं कहाँ है आजकल, वो हर साल नेचुरोपैथी के वहां जाती है, और वहां जाकर के एक महीना बहुत पैसे लगते हैं, 50-60 हजार, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं। तो 50-60 हजार रुपये खर्चा करके वहां पैसे किस लिए देती है, ये मत खाओ वो मत खाओ उसके लिए। तो एक महीना बिना खाने के लिए पैसा दे के वापस आ जाती है, आने के बाद फिर बदला निकलती है और फिर जोंकेती है वो डबल विद द इंटरेस्ट। रोज का धंधा, हर साल वही धंधा। जब तक के मन में विषयों के प्रति लालसा है, तब तक के ये संसार चलता रहेगा। ज्ञानान गलित कर्मा वो यो लोक दृष्टा भी कर्म कृत नाप्नोत्यो सरम कर्तुम वक्तुमेव न किंचना। ज्ञानान गलित कर्मायो, जिसने ज्ञान से अपने हृदय से कर्म निकाल दिए हैं। ध्यान से सुनना, ज्ञान से कर्म को निकालने का तात्पर्य कर्तृत्वाभिमान का त्याग हो गया है, ये है ज्ञान से कर्म का त्याग। तो ऐसे जो है लोक दृष्टिया कर्मकृत, लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो वो बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं, बड़े बुरे कर्म कर रहे हैं। न आपनोति अवसरम कर्तुम वक्तुमेव न किंचना, इसीलिए वो ना तो ये करने का या वो प्राप्त होने का कोई विषय ही उनके दिमाग में वाणी में नहीं आता, और इसीलिए उनको ना कुछ करना है ना कुछ ना करना है। देखो चीजों को होने दो, मैं ये करूंगा वहां मैं पैदा हो गया, मैं ये नहीं करूंगा वहां भी मैं पैदा हो गया। भगवान कहते हैं मां कर्मफल हेतुर्भूहु, कर्म के फल को निर्माण करने वाले हेतु कारण, माने कर्तृत्वाभिमान, कर्तृत्वाभिमान को जागृत मत होने दो। ठीक है फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, तुरंत भगवान कहते हैं माते संगास्तु अकर्मणि, मैं कर्म नहीं करता वहां भी कर्तृत्वाभिमान ही है। देखो
कर्मणि अकर्म यहा पश्येद अकर्मणि च कर्म यहा स बुद्धिमान मनुष्येषु स कृष्ण स कृष्ण कर्म कृत। तो यह जो ज्ञान है वो यही है कि इसमें मैं करूंगा ये नहीं करूंगा, यह जो कर्तृत्वाभिमान है ये केवल ज्ञानात् गलित कर्मा, केवल ज्ञान के ही द्वारा हो सकता है, नहीं तो जहां कर्तृत्वाभिमान है वह कर्म होगा ही। क्वत्वम कप्रकाशो वा हानम क्वचन किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा। जो निर्विकार धीर पुरुष है उसमें कोई विकार नहीं आते और निरातंकस्य और किसी प्रकार से मन में विक्षेप भी नहीं आते। दोनों बातें, जगत के किसी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं होना और विक्षेप नहीं होना, ये दोनों जिसके यन में आ गए हैं उसके लिए ना कोई हानि है ना कोई लाभ है और ना कोई ज्ञान है ना कोई अंधकार है, माने ना वहां ज्ञान का चक्कर है ना अज्ञान का चक्कर है। देखो जगत में कोई भी अज्ञानी नहीं है, क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आती तो क्या मैं अज्ञानी हूं? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे नहीं आती। ज्ञान का कभी अभाव नहीं हो सकता, ज्ञान में अपूर्णता हो सकती है। जैसे हम अपने इंद्रियों से देखें तो इंद्रियों के अनुसार हमको ज्ञान होगा, तो उस ज्ञान में अपूर्णता है, ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। को धैर्यम को विवेकत्वम व निरातंकता पिवा अनिर्वाच्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिनः। जो योगी किसी भी प्रकार के परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता और जिसका जो स्वरूप है वो कहते हैं अनिर्वाच्य, उसके बारे में क्या बतावे। देखो ये तत्व ऐसा है कि जिसके जैसा कुछ नहीं है तो आप इसकी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते। जैसे लड़की की तुलना करते तुम्हारा चेहरा एकदम एक चंद्रमा के जैसा सुंदर है क्योंकि उस पर भी दाग है। तो परमात्मा ऐसा सुंदर है ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि एकमेव अद्वितीय। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहते जो अनिर्वाच्य है स्वभाव से ही, ऐसे व्यक्ति के लिए कहां धैर्य धीरज चाहिए, विवेक चाहिए और किसी प्रकार से दुख के द्वारा प्रभावित होना नहीं होना चाहिए। ये सब KG-1 KG-2 का है, ध्यान से सुनना। दुख आने से दुख का अनुभव आना ये स्वास्थ्य का लक्षण है। दुख आने से दुख का अनुभव होने के बाद दुखी होना ये रोग का लक्षण है। बिल्कुल सिंपल बात है, यदि दुख हुआ और दुख का अनुभव नहीं हुआ तो आप रोगी हो। अनुभव तो होना ही चाहिए, और यदि आपने दुख हुआ लेकिन दुखी नहीं हो गए तो आप योगी हो। किसी भी दृष्टि से विचार करो, माने दुख का कारण अन्य को बता सकते हैं, हम दुखी सभी के सभी अपने चॉइस से होते हैं। इसीलिए क्व धैर्यम क्वच विवेकत्वम निरातंकता पिवा। तो ऐसे जो ज्ञानी है उसके लिए ये विवेक वैराग्य इत्यादि ये सब समाप्त तो हो गया है। न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैव हि बहुनात्र किमुक्तेन योग दृष्ट्या न किंचन। योग दृष्टि से देखो, माने पानी के दृष्टि से देखो तो ना तो ये ऊपर उड़ता है बादलों में, ना तो ये जम जाता है बर्फ में, ना तो ये टूटता है लहरों में, ना तो ये डूबता है समुद्र में। इसी प्रकार से जो योग दृष्ट्या यदि संपूर्णता के दृष्टि से जगत की तरफ देखो तो ना स्वर्ग है ना नरक है ना जीवन मुक्ति है ना कुछ है, केवल आप मात्र हो।
बहुनात्र कि मुक्ते न किंचन, कुछ भी नहीं है, एकमेवाद्वितीय। कठोपनिषद में आता है इंद्रियेभ्यः परा यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेर आत्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागत। इस तत्व के परे और कुछ नहीं है, माने एकमेवाद्वितीय, यही अंतिम सत्य है। बाकी का जितना तमाशा है ठीक है, चलने दो, अपन को क्या फर्क पड़ता है। जैसे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो रहा हो, आंखों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रंग सामने आ जाए, कान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी शब्द उसके सामने आ जाए, मन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी विचार आ जाए, चैतन्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जागरण स्वप्न सुषुप्ति या समाधि, इन शॉर्ट असल में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। इसीलिए आप सत्संग सुनते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सिद्धि के लक्षण है, आप सिद्ध हो गए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बहुनात्र किमुक्तेन योग दृष्टान किंचन, नैव प्रार्थयते लाभम ना लाभे नानुशोचति, धीरस्य शीतलम चित्तम अमृतेनैव पूरितम। धीरस्य चित्तम शीतलम, जो ज्ञानी है उसका मन हमेशा शांत रहता है। क्यों शांत रहता है? न प्रार्थयते लाभम, ना तो ये कुछ चाहता है, न अलाभे अनुशोचति, और यदि नुकसान हो गया तो रोता भी नहीं। देखो हम लोग साधक लोग साधना करते और छोटी मोटी चीजों पर दुखी होते। आपको यदि गुरु किसी को बनाना हो ना, तो अपने पॉलिटिशियन को गुरु बनाओ। देखो जेल में जाकर के आते हैं और कितने डट के बात करते हैं। और हम लोग श्रावण का सोमवार था, मैंने 3 बार खा लिया, अब क्या करें, चौथे सोमवार को खाना ही मत खाना, एडजस्ट कर लो ना। ये छोटी मोटी चीजों से प्रभावित नहीं होना है। सो नैव प्रार्थयते लाभम ना लाभे अनुशोचति, धीरस्य शीतलम चित्तम। जो धीर पुरुष है उसका चित्त, उसका मन शांत रहता है। कैसे? अमृते नैव पूरितम, क्योंकि उसको अमरत्व की, उसको अमृत की प्राप्ति हो गई है, माने उसके जीवन में अब कृतकृत्यता प्रकट हो गई है। ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। न शांतिम स्तौति निष्कामो, न शांतम स्तौति निष्कामो, न दुष्टम अपि निंदति, सम दुख सुख तृप्त किंचित कृत्य न पश्यति। न शांतम स्तौति, निष्काम पुरुष है, कहीं शांति है तो ऐसे व्यक्ति को उसकी स्तुति भी नहीं करता, ये बड़े अच्छे हैं जी, बड़े शांत रहते हैं, किसी पर गुस्सा नहीं करते। और न दुष्टम अपि निंदन्ति, और कोई दुष्ट व्यक्ति है तो ना उसकी निंदा करते हैं। सम दुख सुख तृप्तः, उनके लिए सुख दुख समान है, क्योंकि वो अपने आप में तृप्त है। किंचित कृत्यम न पश्यति, वो जगत के किसी भी प्रकार के कर्मों को लेकर के टीका टिप्पणी करने का स्वभाव त्याग दिया है। देखो महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण में अंतिम में जाकर के विषय आता है, उसमें कहते हैं ना किसी को आओ कहो, ना किसी को जाओ कहो, ना किसी की स्तुति करो, ना किसी की निंदा करो। इसी से संसार निर्माण हो जाता है। सो सम दुख सुख तृप्तः किंचित कृत्यम न पश्यति, धीरो न द्वेष्टि संसारम, आत्मानम न दिदृक्षति, हर्षामर्ष विनिर्मुक्तः न मृतो न च जीवति। धीर पुरुष ना तो संसार का द्वेष करता है, ना तो आत्मानम दिदृक्षति, ना तो चाहता है कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो जाए। अरे तुम स्वयं परमात्माओं काहे का दर्शन हो जाए। देखो इसीलिए हर्ष अमर्ष विनिर्मुक्तः, वो जो सुख दुख और जो टॉलरेंस है सबके ऊपर चला गया, इसीलिए ना तो वो जिंदा है ना तो वो मरता है। न मृतः न जीवति, जन्म मृत्यु देह के साथ है। इस चीज पर थोड़ा
आप सूक्ष्मता से चिंतन करो, देखो कितना फर्क होता है जीवन में। जब हमको बताते पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, तो जन्म किसका हुआ? हमारा जन्म नहीं हुआ, देह का जन्म हुआ था। देह बढ़ा, देह मरा, हम तो ज्यों के त्यों है। तो ये पिछला जन्म, अगला जन्म, इसका तात्पर्य अपने इस अखंड सत्ता को लखाने के लिए है। वो तो नहीं समझेंगे। और वही, मैं पिछले जन्म में गधा था, इस जन्म में महागधा हूं। इस जन्म में महागधा क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में हर चीज महा होती है। किसी महाराष्ट्रियन को गधा को तो गुस्सा आता है, महागधा को आप ठीक है। हर्ष अमर्ष विदुर मुक्तः न मृतो न च जीवति, निस्नेह पुत्र दारादौ निष्कामो विषयेषु च निश्चिन्तः स्वशरीरेपि निराश शोभते बुधः। बाकी का बचा हुआ कल पूरा करने का प्रयास करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।